नमस्कार दोस्तों, हकीन कुरेश सॉफ्टटेक की कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि किस तरह से पेन ड्राइव का हम आइकन चेंज कर सकते हैं किसी भी इमेज से। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ICO कन्वर्टर चाहिए या ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी तरीके से भी ICO कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं तो ऑनलाइन कन्वर्टर को प्रीफर करता हूं क्योंकि छोटी सी इमेज कन्वर्ट होने में बहुत छोटा सा टाइम लगता है और उसके बाद आपको एक ऑटो रन फाइल लिखनी होगी जिसको लिखना मैं आपको सिखाऊंगा और इन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो कीजिए जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अपनी पेन ड्राइव का आइकन अपनी इमेज या फिर कोई सी भी इमेज लगा सकेंगे जो कि एक बहुत अच्छा सा सिंबल लगता है कि आप पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहे हैं और उसमें जो आइकन बना रहा है वो आप ही का फेस बना रहा है कि ये भी रिप्रेजेंट करता है कि पेन ड्राइव आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करते हैं icoconverter.com। तो यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है और देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर लिखा रहा है चूज फाइल। अब यहाँ पर एक फाइल को चूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, logo.png फाइल है और इस फाइल को मैं क्या करता हूँ कन्वर्ट। सो फाइल यहाँ हमारी डाउनलोड में सेव हो चुकी है और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ PDI का नाम से। इस PDI को मैंने यहाँ से कट कर लिया और डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अभी क्या सीन है कि हमारे पास ये PDI रेडी है और इस PDI का नेम चेंज कर देता हूँ या फिर यही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने को एक ऑटो रन फाइल लिखनी है। तो ऑटो रन फाइल को लिखने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑटो रन, एंटर कीजिए। यहाँ पर लिखिए आइकन, ध्यान देने वाली बात है कैप्स में होगा आइकन, इक्वल टू कोट्स में, डबल कोट्स में जो भी आपको इमेज यूज़ करनी हो, जैसे हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं PD आइकन, तो लिख दीजिए PDICON PD आइकन और .ICO, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इस फाइल को सेव करना। फाइल को किस तरह से सेव करेंगे, तो सबसे पहले थे ऑल फाइल में सेव होगा और दूसरी बात autorun.inf, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक autorun नाम से फाइल शो होने लगी होगी। सो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज रेडी नाउ। यू जस्ट इंसर्ट योर पेन ड्राइव इन योर सिस्टम एंड पेस्ट दीज फाइल्स इन योर पेन ड्राइव, ठीक है, ये अपना काम हो गया। इसको हम बंद कर देंगे। पेन ड्राइव मैंने इजेक्ट कर दिया और दोबारा से इंसर्ट किए और दोबारा से इंसर्ट जब मैंने इस पेन ड्राइव को किया और देखते हैं जिस PC को, तो यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव का आइकन चेंज हो चुका है। और अगर हम इसे ओपन कर रहे हैं तो इसमें दो फाइल्स हैं, ऑटो रन और अगर आप इसमें और कुछ भी अपना स्टोर करना चाहें जैसे कोई फाइल कोई फोल्डर, तो आप इस पेन ड्राइव में यूजुअली स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आइकन आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं इस आइकन को, तो ऑटो रन फाइल को डिलीट कर दीजिए। ऑटो रन फाइल के डिलीट होते ही क्या होगा, जो आपका आइकन होगा वो आइकन चेंज हो जाएगा। कैसे, री इंसर्ट करते हैं पेन ड्राइव को, इजेक्ट एंड री इंसर्ट। तो देखिए पेन ड्राइव का आइकन हट चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु वाना चेंज द आइकन ऑफ दैट पर्टिकुलर PD। और अगर आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर ट्रिक्स के लिए भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर वी वांट दिस टाइप ऑफ ट्रिक। सो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।